हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट जयदीप चंदे और आप देख रहे हैं माइसोरी टेक्निकल। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यही गेम जो जीती है ये आपके फ़ोन में कैसे इंस्टॉल हो सकती है। पूरा प्रोसेस, डाउनलोड एंड इंस्टॉल का सब पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। अगर आप एक ही स्टेप मिस कर जाएंगे तो फिर आपको इस गेम को ओपन करने में कोई भी प्रकार का एरर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए और उस तरह से आप फॉलो करें, तो ये गेम आप भी अपने फ़ोन में जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ही फ्यूचर में हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल है, कुछ नहीं, आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो इंस्टॉलेशन की कुछ प्रोसेस ऐसी है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो वो कुछ इस प्रकार से मिल, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से लिंक मिलेगी इसी वीडियो के नीचे। तो मैं इसे सिंपली आपको दिखा रहे के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ नोट्स में। अगर यहाँ पे आपको ऐसे टैप करना है और आपको जो है मैं लिंक जो ओपन हो जाएगी मेडियाफायर में, तो मैं सिंपली आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपका फाइल। तो दो फाइल है, एक जो है फाइल है और दूसरा जो है वो एबीके है, मतलब एप्लीकेशन है। तो दो फाइल आपको जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है जेड आर्चीवर। ये देख सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड के फोल्डर में है, तो यहाँ से मैं फाइल अपनी ढूंढ लेता हूँ। तो ये मेरी फाइल है जो है GTFI हाउ टू जिप। तो यहाँ पर आपको इसको सिंपली एक इसका ये पहली वाली फाइल है जो APK है, तो आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पे टैप करना है आपकी फाइल पे। तो यहाँ पे आपको जाना है एक्सट्रैक्ट में और आपको जाना है यहाँ पे क्लिक करना है डिवाइस मेमोरी और यहाँ पे आपको जाना है एंड्रॉयड में। याद रखें यहाँ पे आपको डेटा में जाना है, OBB में नहीं जाना है। डेटा में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ आपको पासवर्ड मांगेगा, वहाँ पासवर्ड में आपको डालना है, मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये वाला आपको पासवर्ड डालना है, देख सकते हैं आप जो है कैपिटल स्मॉल है वो आपको देख लेना है। यहाँ पे जो है सेम टू सेम वहीं डालना है, तो यहाँ पर ओके भी क्लियर करना है। और देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पर वो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फाइल जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ पर आपको अपना जो है फाइल को ढूंढना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको .com rockstar वाला फाइल देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है फाइल्स में और यहाँ पे इसके बाद आपको जाना है TextDB में। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहला फोल्डर मिलेगा GTA 3, तो इसमें जाना है और यहाँ पे लिखा है रीनेम। रीनेम जहाँ पे लिखा है वो उसको आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना है और ये रीनेम लिखा हुआ है उसको मिटा देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए अगर आपका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है तो उसमें आपको एड्रेनो मिलेगा, और मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो उसमें आपको माली मिलेगा। तो अगर आपका एड्रेनो है तो यहाँ पे DXT लिखना है, और अगर आपका माली है तो ETC लिखना है, और पावर VR है तो PVR लिखना है। तो आपका प्रोसेसर कौन सा है उसमें आपको कौन सा GPU है वो देखने के लिए देख लेना है। एड्रेनो है का है तो आपको DXT लिखना है, मेरा एड्रेनो है तो DXT लिखता हूँ मैं। अगर आपका जो यहाँ पे माली होगा तो ETC लिखना है, और पावर VR तो PVR, मेरा एड्रेनो है तो DXT लिख रहा हूँ मैं। तो सिंपली जहाँ पे रीनेम लिखा है उस पर आपको कर देते हैं हम जल्दी से।
तो ये देख सकते हैं हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे दूसरा फोल्डर है उसमें जाना है, यहाँ पे भी आपको रीनेम पूरा कर देना है चेंज DXT यहाँ पे भी। देखते हैं ये वाला फोल्डर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको जाना है मोबाइल वाले फोल्डर में, यहाँ पे भी आपको जो है रीनेम कर देना है, रीनेम को मिटा के। अगर आपको प्रोसेसर देख लेना है, दूसरा एक एप्लीकेशन है उसको अगर यूज़ कर सकते हैं, आपको पता नहीं है कि आपका जो GPU है कौन सा है, एड्रेनो है, माली है, पावर वी आर कौन सा है आपको पता नहीं है, तो एक एप्लीकेशन मिलेगी CPU जेड करके, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको देख लेना है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका GPU कौन सा है। हमारा एड्रेनो है इसलिए हम DXT लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भी DXT ही लिखना है। तो हमारा जो आपको देख लेना है आपका जो एड्रेनो है मान लीजिए कौन सा GPU। उसके बाद आपको जाना है TXD वाले फोल्डर में, यहाँ पे भी आपको जो है रीनेम कर देना है। रीनेम को डिलीट करते वक्त आपको देखना है डॉट ना निकल जाए, डॉट रहने ही देना है, सिर्फ रीनेम को ही डिलीट करना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिर्फ बैक कर देना है। सिंपली आपको बैक कर देना है। यहाँ पे आपको जाना है और आप ये जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, तब तक के लिए वेट करते हैं। सो ये इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसे हम ओपन करते हैं। वो मैंने जो एप्लीकेशन बताई वो CPU Z है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो कौन सा है। ये देखते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा एड्रेनो है इसलिए एड्रेनो दिख रहा है, आपका माली होगा तो माली दिखेगा, पावर वी आर तो पावर वी आर दिखाई देगा। तो इसके मदद से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये चल रही है नहीं। तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस से पहले देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑफलाइन में जाना है, ये देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस तरह से इंस्टॉल करके आप डाउनलोड करने का प्रोसेस पूरा बता दिया। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको इंस्टॉल हुई या नहीं। अगर आपने कोई भी स्टेप एक डॉट भी मिस किया होगा तो आपको जो है गेम में एरर देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक मेरी माने तो ये वीडियो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है और फॉलो करना है मेरे स्टेप को, तो आपको ये गेम आप भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आपकी प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में बता दीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।